सी आई ई -E टी एन सी ई -E आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का पाठ तीन चखने से पचने तक पृष्ठ बाईस स्वाद ही स्वाद झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो माँ ने हंसते हुए कहा कितना मीठा खाओगी सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा झुम्पा तपाक से बोली तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा झूलन बोली मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है पर मैं करेला भी खा लेती हूँ यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी झूलन झुम्पा से बोली चलो एक खेल खेलते हैं मैं तुम्हारे मुँह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई खट्टा नींबू झुम्पा फट से बोली फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली पृष्ठ तेईस पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लोगी झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानी तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया तब झूलन बोली अब नाक बंद करके पहचानो झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई हम्म, कुछ कड़वा सा है कुछ खट्टा सा कुछ नमकीन सा एक चम्मच और खिलाओ वह बोली झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली खाओ झुम्पा भी हंसते हुए बोली लो खिलाओ चर्चा करो और लिखो खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुँह में पानी आ गया तुम्हारे मुँह में कब कब पानी आता है अपनी पसंद की पांच चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग क्यों झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे कैसे पृष्ठ चौबीस खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है वे ऐसा क्यों कहते होंगे आंख बंद करके स्वाद पहचानो अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो स्वाद कैसा था खाने की चीज क्या थी जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था आगे पीछे बाई या दाई तरफ तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला अपने अनुभव के आधार पर जीभ के एक चित्र में लिखो कुछ खाने की चीजों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो होंठ, तालू, जीभ के नीचे क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला पृष्ठ 25। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो। ताकि वह सूखा हो जाए अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो क्या कुछ स्वाद आया सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो कैसी दिखती है क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं बताओ अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा तुम खाने की इन चीजों जैसे टमाटर प्याज सौंफ लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली सी, सी, सी। सोचो उसने क्या खाया होगा तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देख कर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा पृष्ठ छब्बीस चबाकर या चबा चबाकर खाओ दोनों में अंतर बताओ सब मिलकर कक्षा में ये गतिविधि करो ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और तीन चार बार चबाकर निगल जाओ क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और तीस बत्तीस बार चबाओ क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया चर्चा करो घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ ठीक से चबाओ खाना अच्छे से पचेगा सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे जब तुम कोई सख्त चीज जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुँह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी पृष्ठ सत्ताईस दिल की बात तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ जाता होगा खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ अपने साथी का चित्र भी देखो क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग चर्चा करो क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है सचमुच अगर तुम दो दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा क्या तुम दो दिन तक पानी के बिना रह सकते हो सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा एक बच्ची कहती है भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है बच्चा बोला जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है दूसरा बच्चा बोला जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ एक बच्ची बोली जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है कुत्ता बोला मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ पृष्ठ अट्ठाईस नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही साथ में दस्त भी लग गए थे उफ कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज़ पीने को देती है पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है डॉक्टर आंटी ने उसे कहा खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है तुम्हारा पेट खराब है ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी बताओ और चर्चा करो तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है कहाँ क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है उसका स्वाद कैसा होता है अपने साथियों को भी बताओ पृष्ठ उनतीस क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है कब और क्यों उसके बारे में अपने साथियों को बताओ नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया कहानी खिड़की वाले पेट की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की पेट में था छेद कहानी छेद की मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छेद डॉक्टर के लिए बना खेल बातें जान ली उसने भेद की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की जब चाहें तब उसमें झांक लें अंदर का सारा हाल भाप लें क्या खाया क्या चबाया क्या नहीं पचा क्या पचाया कर सकते थे वह मीन मेंख भी सुनो कहानी एक अनोखे पेट की चीजें जो करती थीं गड़बड़ उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे।, बदले में नया खाना डाल सकते थे हाँ दाल भात और सेब भी सुनो कहानी एक अनोखे पेट की खिड़की जैसे छेद वाले पेट की इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी वर्षों पहले सच्ची थी घटी पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की पेट में था छेद कहानी छेद की यह कविता राजेश उत्साही ने लिखी थी पृष्ठ तीस कहानी पेट में झांका, जाना भेद तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का और बहुत तंदुरुस्त था जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंड के पास ले जाया गया डॉक्टर ने मॉर्डिन की अच्छी तरह से मरम पट्टी की धीरे धीरे उसका ज़ख्म ठीक होने लगा पर पेट का छेद नहीं भरा लगभग डेढ़ साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन की पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तहसी बन गई थी निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था अब क्या था डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया मानो एक खजाना मिल गया सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में नौ साल इन नौ सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबो कर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया फिर दस मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के बीस बारीक टुकड़े डालकर सुबह साढ़े आठ बजे रख दिए इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तौर पर हमारे पेट के अंदर होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर के दो बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका उन्होंने बना ली पृष्ठ इकतीस जैसे कच्चा दूध पचने का समय पेट में दो घंटे पंद्रह मिनट गिलास में चार घंटे पैंतालीस मिनट उबला दूध पेट में पचने का समय दो घंटे गिलास में पचने का समय चार घंटे पंद्रह मिनट पूरी तरह उबला हुआ अंडा पेट में पचने का समय तीन घंटे तीस मिनट गिलास के पाचक रस में आठ घंटे कम उबला अंडा पेट में पचने का समय तीन घंटे गिलास के पाचक रस में छः घंटे तीस मिनट कच्चा अंडा फेंटा हुआ पेट में पचने का समय दो घंटे गिलास के पाचक रस में चार घंटे पंद्रह मिनट कच्चा अंडा पेट में पचने का समय एक घंटा तीस मिनट और गिलास में पचने का समय चार घंटे कहो आप क्या सोचते हो है कुछ फ़ायदा इस पेट का डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है क्या तुम भी ये देख पाए जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता यही नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए क्या कहा तुमने पेट में गोली मारकर नहीं भाई बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी ये लेख अनीता रामपाल ने लिखा पृष्ठ बत्तीस सही खाना और सही सेहत डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए रश्मि और कैलाश दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो हम तुम्हें दे रहे हैं रश्मि पाँच साल तीन साल की लगती है हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ अक्सर बीमार रहती है थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती खेलने की ताकत भी नहीं होती खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया कैलाश सात साल उम्र से बड़ा है शरीर मोटा और थुलथुला है पैरों में दर्द रहता है फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता बस से स्कूल जाना दिन में कई घंटे टीवी देखना खाना घर का बना खाना उसको पसंद नहीं दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे डॉक्टर ने दोनों का कद और वज़न नापा और जांच भी की दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है सही खाना पृष्ठ तैतीस चर्चा करो तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी सही खाने से तुम क्या समझते हो तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है लिखो पता करो दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे क्या खाते थे और कितना अब तुम अपना सोचो तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग भरपेट खाना सभी बच्चों का हक एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं भर पेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं पृष्ठ चौंतीस ओडिशा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो सोचो और चर्चा करो क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो कहा हम क्या समझे जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे लिखो सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है तीस साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है इस मेहनत की उसे बहुत कम मज़दूरी मिलती है इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियाँ या जड़ें खा कर काम चलाना पड़ता है इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं चखने से पचने तक अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का तीसरा पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी एन आर टी नई दिल्ली भारत